केंद्रीय अधिवेशन में कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना की मांग को दोहराया। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि जाति आधारित जनगणना पर जोर देने सहित पार्टी के राजनीतिक संकल्प को स्पष्ट करना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 85वें पूर्ण अधिवेशन में तैयारी के समय को शामिल कर ले तो 3 साल हो गए हैं, लेकिन जनगणना पर कोई चर्चा नहीं हुई है। जाति आधारित जनगणना पर प्रधानमंत्री और सरकार मौन है। यूरोपीय संघ ने आक्रमण की वर्षगांठ पर रूस के प्रतिबंधों के 10वें पैकेज को मंजूरी दी। पैकेज में दोहरे उपयोग वाले सामानों के साथ साथ युद्ध का समर्थन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ सख्त निर्यात प्रतिबंध, प्रचार प्रसार या रूस द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रोन वितरित करना शामिल है। युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को युद्ध के वित्तपोषण को और अधिक कठिन बनाने और यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के लिए तकनीकी उपकरणों और स्पेयर पार्ट्स के लिए रूस को भूखा रखने के लिए डिजाइन किया गया था। पीएम मोदी, जर्मन चांसलर स्कोल्स ने व्यापक वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने 25 फरवरी को स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ व्यापक वार्ता की। श्री स्कोल्स के भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली आने के घंटों बाद वार्ता हुई। दिसंबर 2021 में जर्मन चांसलर बनने के बाद देश में उनकी पहली शीर्ष पद पर एंजेला मर्केल के ऐतिहासिक 16 साल के कार्यकाल के बाद। अमेरिका को उम्मीद है कि भारत यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस के साथ अपने संबंधों का उपयोग करेगा। हमारी आशा है कि भारत इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूस के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करेगा, और जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है, सिद्धांतों के अनुसार संघर्ष का अंत करे संयुक्त राष्ट्र चार्टर की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता। WHO ने कंबोडिया में लड़की की मौत के बाद मनुष्यों में बर्ड फ्लू के मामलों के बारे में चिंता व्यक्त की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 24 फरवरी को बर्ड फ्लू के बारे में चिंता व्यक्त की, जब एक 11 वर्षीय कंबोडियाई लड़की के पिता का भी परीक्षण सकारात्मक आया, जिसने इस बीमारी से मरने की आशंका जताई। मानव से मानव संचरण। खुशी है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी पारी का समापन हो सका। AICC पूर्ण सत्र में सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने शनिवार को कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी पारी भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हो सकती है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के संदर्भ में बात कर रही थी और राजनीति से संन्यास लेने की बात नहीं कर रही थी। संयुक्त विपक्ष 2024 में भाजपा को 100 सीटों तक सीमित कर सकता है। कांग्रेस को तेजी से निर्णय लेने की जरूरत। महागठबंधन की रैली में नीतीश कुमार। अगर कांग्रेस सहित सभी पार्टियां एक साथ आती हैं तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी BJP 100 सीटों तक सीमित हो जाएगी। अमेरिका चिंतित है कि पाकिस्तान, श्रीलंका में चीनी ऋण का उपयोग जबरदस्ती उत्तोलन के लिए किया जा सकता है। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए राज्य के सहायक सचिव डोनाल्ड लू ने कहा, भारत के तत्काल पड़ोस में देशों को चीनी ऋण के संबंध में हम गहराई से चिंतित हैं कि ऋण हो सकते हैं जबरदस्ती उत्तोलन के लिए उपयोग किया जाता है। खालिस्तान की मांग और आप सरकार, क्या सच है और क्या नहीं? पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार खुद को राज्य में खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ अप्रभावी होने के आरोपों का सामना कर रही है, या इससे भी बदतर, क्योंकि वे उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में पंजाब में पहली बार प्रवेश करने के बाद से इस आरोप ने आपको पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इससे पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनावों में मिली भारी जीत में कोई सेंध नहीं लगी, लेकिन तब से लगातार हो रही घटनाओं ने पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने पुराने सदस्यों के एक वर्ग को कर्मचारी पेंशन योजना EPS के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 प्रदान नहीं करता है। पेंशन योजना का प्रावधान EPFO द्वारा प्रशासित EPS 1995 में अस्तित्व में आया।
पेंशन फंड में पीएफ कॉर्पस के लिए नियोक्ताओं के योगदान का 8.33% जमा करना था। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता का 12% योगदान करते हैं। अश्विन ने कहा, अगर आप पिच का सम्मान करते हैं और उसी के अनुसार खेलते हैं तो पिच भी आपका सम्मान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे इसे टेस्ट क्रिकेट क्यों कहते हैं। यह आपके बचाव का परीक्षण करता है, यह आपके दबाव का परीक्षण करता है, ये दबाव को संभालने की आपकी क्षमता का परीक्षण करता है। ये खेल में विभिन्न स्थितियों को संभालने के लिए आपकी परीक्षा लेता है, ये दबाव में देने के लिए आपकी परीक्षा लेता है, आप पर दबाव रहेगा। UGC नेट दिसंबर 2022 फेज 2 के एडमिट कार्ड जारी, कैसे डाउनलोड करें। UGC नेट 2022 चरण 2 प्रवेश पत्र राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NET दिसंबर 2022 चरण 2 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है, वे अपना प्रवेश पत्र UGC NET की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सेल्फी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 1। अक्षय कुमार की फिल्म 2.5 करोड़ रुपए के साथ विनाशकारी रूप से फ्लॉप हो गई। एक दशक में उनकी सबसे खराब शुरुआत हुई। अभिनेता अक्षय कुमार की 2022 की नाटकीय रिलीज में से प्रत्येक राम सेतु, रक्षा बंधन, सम्राट पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, टैंकर पर बॉक्स ऑफिस, लेकिन कम से कम उनके पास ठोस ओपनिंग थी। हालांकि अभिनेता की नवीनतम फिल्म सेल्फी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। पिछले हफ्ते की फ्लॉप फिल्म की तुलना में फिल्म की शुरुआत